आइए मैं गुजारिश करूंगा हफ्सा अब्दुल हफीज़ से कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी अकीदतें अपने टाइम के मुताबिक बेटा पेश करें, मिलके कह दें सुभान अल्लाह। देखिए आने वाली हुकूमत ने अब तक सुभान अल्लाह और दुरूद पाक पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। जज़ाकअल्लाह। कि सुभान अल्लाह बता रही है कि बच्ची ने कैसा पढ़ा और क्या पढ़ा, और इस बच्ची के लिए तो मैं अलहाज याकूब इब्राहिम निशबंदी साहब ज़रूर मैं पूछूंगा कि आप ज़रा इस बच्ची के बारे में बताएं ताकि तमाम बच्चों की हौसला अफजाई हो, क्योंकि मैं इसके बाद जो सदा दे रहा हूँ मेरे ऐवान में आखिरी नातख्वां तहा अशवाक को सदा दे रहा हूँ। ये जिन उन्होंने पढ़ा है इससे पहले जिन अब जो पढ़ेंगी जी जी उस सिलसिले में भी इन्होंने गुज़श्ता जो मुकाबला हुआ था बहुत अच्छा पढ़ा था जी, और मुझे खुशी भी हुई थी, लेकिन इस मरतबा इन्होंने हमें मायूस किया, वो चीज़ इन्होंने पेश नहीं की। असल में अभी इन्होंने पढ़ा या रहमत लिल आलमीन, सही लफ्ज़ है या रहमत लिल आलमीन। अब ये गलती इसकी नहीं है बच्ची की, ये गलती है हमारी, ये सीनियरों की गलती है जी। वो अगर गलत पढ़ते हैं, अगर बच्चा फिर पढ़ेगा तो वो उस सीनियर को देख कर पढ़े। अब मैं कोई गलत शेर पढ़ दूँ तो ये बच्ची वही पढ़ेगी, तो ये हमारे सीनियर की गलती है, इनकी नहीं है जी। तो थोड़ा जी अदील भाई ने जो बात कही बिल्कुल बरक है। मैं अफसा बेटा मैंने आपको सुना नहीं है अदील, मैंने अदील भाई से भी यही कहा कि ये अच्छा पढ़ती होगी, आपके पढ़ने से पता लग रहा था, लेकिन आज कुछ थोड़ी डिस्टर्ब होंगी आप। बहरहाल अल्लाह आपको और रुजू तरक्की अता फरमाए माशाल्लाह।